कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4,000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तकादा कर रहा था लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेके इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। यूपी के बुलंदशहर जिले में एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। चौंकना लाजमी है क्योंकि हत्या का कारण ही कुछ ऐसा है। जी हाँ, एसएसपी बुलंदशहर की जुबानी बात करें तो राजा की हत्या किसी बड़ी दुश्मनी में नहीं, करोड़ों के लालच में नहीं, महज 4,000 की उधारी वापस देने के लिए कर दी गई। जी हाँ, हत्याकांड के पीछे की कहानी एसएसपी साहब से सुनिए। कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4,000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तकादा कर रहा था लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेके इसके मन में हिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूँ। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश जिसका नाम है पुत्र मनोज कुमार, ये कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है, ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो ये खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरा सन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया। दरअसल 27 नवंबर को दोस्तपुर हाईवे पर राजा का शव पुलिस को बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। पहले तो पुलिस का शक दूसरों पर गया लेकिन सर्विलांस टीम की मदद से स्वाट टीम असल आरोपियों तक पहुंच गई, जिसके चलते आरोपी शाकिब और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया जो राजा की हत्या में शामिल थे। दिनांक 29/11 को जनता की सूचना पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दोस्तपुर फ्लाईओवर थाना कोतवाली देहात में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मारूफ राजा के रूप में हुई जो धमेड़ा अड्डा का रहने वाला था। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को स्वाट टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आलाकत्र बरामद किया गया है चाकू, तमंचा, कारतूस आज बरामद हुए हैं इसके कब्जे से, यद्यपि हत्या चाकू से की गई थी। ये थी वारदात की पूरी कहानी, जिसे सुन ये साफ है कि वारदात का कारण गुस्सा है, जिद है, जिसके चलते 3 जिंदगियां तबाह हो गईं। बुलंदशहर से कदीम खान की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।